कुछ करने के लिए आप लगे हुए। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस संदर्भ में ये बयान दिया था, उन्होंने कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, उसके आगे फिर उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। और अगर बांग्लादेश का मामला ले लें या कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार जो अल्पसंख्यक आबादी है, बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है, कल ही एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट चलाई है कि वहां पर कैसे हिंदू अल्पसंख्यकों को बड़ी तादाद में सड़क पर उतरकर अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ी है। और उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे हिस्से रहे जहां पर हिंदू अगर अल्पसंख्यक होते हैं तो फिर उनको वो इलाका छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? तो वो इसी के आधार पर इस तरह का नारा दे रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो दावा कर रहे हैं अजय आलोक। हाँ चित्रा जी, आपकी इस बात से मैं मुतमईन नहीं हूँ। अभी तक बांग्लादेश में किसी हिंदू के ऊपर आंदोलन करने को लेकर बुलडोजर नहीं चलाया गया। यहाँ तो आदमी निकलता है बुलडोजर चला दिया जाता है। और ये जो स्वघोषित पृथ्वीराज चौहान बने हुए हैं, इनके कार्यकाल में संजोगिता को कानपुर के डीएम कंपाउंड में 6 फुट का गड्ढा खोद के डाल दिया जाता है मार करके। संजोगिता बचती नहीं है, 6 महीने से उसका पति कह रहा था तनेजा कि मेरी पत्नी खो गई है, मार डालेगा जो जिप ट्रेनर ले गया है। लेकिन ना पृथ्वीराज चौहान के कान पे जूरेंगी ना और कहीं। और आप किसकी बात कर रही हैं? अभी संजय निषाद से आप बात कर रही थी। नवंबर आ रहा है मैडम, 7 नवंबर 2021 स्थान प्रयागराज। संजय निषाद ने कहा कि राम, भगवान रामचंद्र जो है वो राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, वो तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। ये राजा दशरथ भी मानते थे, चलिए उनकी वल्दियत पर प्रश्न उठा दिया, उनके बापे नहीं थे राजा दशरथ। और योगी जी की आप बात कर रही हैं, 28 नवंबर 2018 मालाखेड़ा राजस्थान, योगी जी ने कहा कि हनुमान जी गिरिवासी थे, दलित थे और वंचित थे। बताइए जात, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं और हमारा जो धर्म इतिहास है वो भाजपा पढ़ा रही है। एक जने कह रहे हैं कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, कौशल नंदने नहीं थे, दशरथ पुत्र नहीं थे, दूसरे बता हनुमान जी वंचित थे। अरे हनुमान जी की तो वो धूम है पूरे भारत के अंदर कि शायद कहीं भगवान रामचंद्र जी का मंदिर ना हो लेकिन हनुमान जी का जरूर होता है। लेकिन वो वंचित थे और दलित थे। हाँ संगीत रागी जी, रत्नाकर त्रिपाठी का कहना है कि हिंदुत्व का पाठ हमें बीजेपी आरएसएस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। संगीत रागी अच्छा ये बताइए, इंद्रेश कुमार दिया है जियारत करा रहे हैं कि नहीं हजरत निजामुद्दीन में? बोलिए पता कर लीजिए क्या है जियारत, क्या होता है भैया? पूछ लेती हूँ। अब ये बोल रहे थे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए रत्नाकर जी, उनकी उनकी बात रह जाएगी, उनकी बात रह जाएगी, प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए संगीत जी। देखिए देखिए, नई हिंदुत्व की पाठशाला इनसे नहीं सीखनी चाहिए, ये इटली की जो महारानी आई है ना उनसे सीखनी चाहिए, जिन्हें पशुपतिनाथ में प्रवेश नहीं दिया गया था तो उनके पति श्री राजीव गांधी ने नेपाल को और क्रिश्चियनाइज करने का पूरा ठेका ले लिया, और श्रीमती सोनिया गांधी ने नेपाल से राजशाही खत्म की, यहाँ क्रिश्चियनाइजेशन किया, आज 24,000 चर्च जो है वो नेपाल के अंदर खड़े हो गए हैं। उसी प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस गांधी परिवार ने खतरे में डाल दिया है। तो गांधी परिवार से तो बिल्कुल ही नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार इस देश को अपने सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार आज इस गांधी परिवार के शिकंजे में है। जो श्रीमती सोनिया गांधी है वो इटली की है, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो एक क्रिश्चियन महिला है, इस देश के क्रिश्चियनाइजेशन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियनाइजेशन में गांधी परिवार की बहुत भूमिका है, नेपाल को हमारे खिलाफ खड़ा करने में इस गांधी परिवार की भूमिका है। आज वहां पर सनातन जो है वो संकट में है, भारत के अंदर भी हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम राहुल गांधी विदेशी एजेंडे के तहत ही काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से लड़ने के लिए हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। सबके अपने अपने दावे हैं, किसके दावे का दम दिखेगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 9 सीटों का ये दाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इसी वजह से हिंदुत्व वर्सेज जाति की ये पॉलिटिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन क्या रहेगी स्थिति आगे आने वाले वक्त में, लगातार एबीपी न्यूज की नजर इस पर बनी रहेगी। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।